आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। नीतीश कुमार की अधिकारी सुनते नहीं या अधिकारी उनकी बातों को सुनना नहीं चाहते हैं, ये बड़ा जो है ये परिस्थिति जो है बड़ी ऐसी गंभीर बनी हुई है कि नीतीश कुमार अपनी हर सभाओं से कहते हैं कि काम पर ध्यान दीजिए, ऑफिस में रहिए, लेकिन शायद अधिकारी हैं कि ये मान कर बैठे हैं कि अब तो साहब शायद दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, अब इनका सुनकर कोई फायदा नहीं है। परसों जो है नीतीश कुमार ने अधिकारियों को चेतावनी दे डाली कि आपके जो है मोबाइल तो खुले रहते हैं लेकिन ऑफिस के नंबर उठाने वाला कोई नहीं रहता, क्या आप लोग अब घर से ही काम करते हैं। अधिकारियों की बोलती बंद थी, नीतीश कुमार ने इतने तक चेतावनी दे दी कि मैं वो आदमी हूं कि रात के 2 बजे भी आपके यहां पहुंच जाऊंगा देखने कि आप ऑफिस में बैठे हैं या नहीं। ये चेतावनी खास करके पुलिस अधिकारियों के लिए थी कि ऑफिस के जो फोन है उसे उठाने वाला कोई नहीं रहता, और इस पर ही नीतीश कुमार जो है अपनी नाराजगी जो है DGP जो है उनके सामने व्यक्त कर रहे थे कि अब इस पे कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि जनता से जो तमाम शिकायतें आ रही हैं वो ये है कि ऑफिस के जो फोन है वो अधिकारी उठाते नहीं हैं, और संयोग बस यदि किसी ने फोन उठा भी दिया तो उधर से ये जवाब आता है कि साहब जो हैं घर में हैं, यानी कि आप लोग अपने घर से ही सारा काम निपटाते हैं और ये अब नहीं चलने वाला, मैं किसी भी समय औचक निरीक्षण कर सकता हूं। लेकिन अधिकारियों के कानों पर इसके बाद भी जू नहीं रेंगी है। नीतीश कुमार क्या कुछ कहा है अधिकारियों को चेतावनी देते हुए, ये सुनवाते हैं आप। कई बार हमको सूचना मिलती है कि कोई गया अपना शिकायत करने के लिए तो वहां कोई पुलिस वाला था ही नहीं, ये कैसे संभव। हम तो बार बार कहे हैं कि वहां पर लैंडलाइन से बात करके देखिए कि थाना में है कि नहीं। हम बार बार कहते हैं कि थाना में जरूर रहिए, कि आजकल सब अफसर उफसर लोग भी घर में रहता है, हम मोबाइले पर बात करता है, कोई मतलब है। रहिए सब लोग, नहीं तो हम तो कोई दिन पहुंच जाएंगे, बिना कहे हम पहुंच जाएंगे, कभी थाना में पहुंच जाएंगे, कभी जिला में हम देख लेंगे, और कहीं जाके हम ऑफिस में देखेंगे कि अफसर आए कि नहीं, रहते हैं कि नहीं रहते। तो आपने सुना नीतीश कुमार ने एक तरह से दबी जुबान में ही कहा कि ये हमारी अंतिम चेतावनी है और मैं किसी भी समय पहुंच सकता हूं आपके दफ्तर में, और ये चेतावनी खास करके पुलिस अधिकारियों के लिए थी जो कि लोगों का फोन नहीं उठाते हैं और लोगों की शिकायत जो है नीतीश कुमार के पास पहुंचती है। उन्होंने ये कहा कि यदि आप फोन नहीं उठाएंगे, लोगों की समस्याएं हल नहीं होंगी, तो वहां भी उन्होंने इसके राजनीति को जोड़ा और कहा कि फिर हमें वोट कौन देगा। अब देखना है कि भाजपा इस बयान को किस तरीके से लेती है और क्या कुछ कहती है, कि क्या एक सूबे के मुखिया की बात जो है सूबे के अधिकारी ही नहीं मानते, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप बने रहिए खबरों के साथ, हमारे साथ बने रहिए, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।